पीएम मोदी आज रखेंगे नए संसद भवन की आधारशिला। नया संसद भवन होगा आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा। नए संसद भवन में होगी 1214 सीटें। यूपी चुनाव से पहले अन्नदाताओं को लुभाने में जुटे अखिलेश यादव। किसानों के समर्थन में अखिलेश ने खोला मोर्चा। कानपुर में आज किसानों से करेंगे मुलाकात। किसानों के नाम पर विदेशों में भी प्रदर्शन। कई देशों में आज भारतीय दूतावास बंद करने की धमकी। कार, ट्रैक्टर और ट्रक रैली के जरिए करेंगे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल चुनाव पर बीजेपी की नजर। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। ममता सरकार पर भी बोलेंगे हल्ला। 64 देशों के राजनयिक आज हैदराबाद पहुंचे। भारत बायोटेक और बीई लिमिटेड का करेंगे दौरा। पहले 4 दिसंबर को करने वाले थे निरीक्षण। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान मामले को लेकर आज होगी सुनवाई। याचिका दायर कर शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग। 8 लोगों ने दायर की है याचिका। छात्रों के सवालों का जवाब देंगे शिक्षा मंत्री। स्टूडेंट से वेबिनार के माध्यम से करेंगे बातचीत। फरवरी और मार्च में आयोजित की जाएगी परीक्षा। तृणमूल सांसद अभिषेक की पत्नी के खिलाफ समन को खारिज करने के फैसले को खंडपीठ में चुनौती। आज होगी मामले की सुनवाई। डिवीजन बेंच सुनाएगी याचिका को लेकर फैसला। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक 5 महीनों से कर रहे आंदोलन। आज होगी विशाल रैली। शीर्ष राजघरानों की आलोचना करने पर दंडित करने के कानून को हटाए जाने की मांग। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कोहरे के कहर से परेशान हुई जनता। मौसम विभाग ने आज घने कोहरे और ठंड का जताया है अनुमान।